नमस्कार दोस्तों, ज्योति के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी, जो कि हमेशा मेरी मॉम बनाती है, तो सोचा आज मैं भी ट्राई करूँ और रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप आटा, इसी के मेजरमेंट के हिसाब से 1.5 कप गुड़, आधी कटोरी आलमंड जिसे मैंने बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप इसे क्रश भी कर सकते हैं, आधी कटोरी लिया है काजू जिसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 10 से 15 लिए है मैंने काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, और आधी कटोरी लिया है सादे तिल व्हाइट सेसम। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें 2 टेबल स्पून घी को गरम कर लिया है, और अब हम इसमें आटा डालेंगे। और इसे अच्छी तरह मिला लें। ये देखिए कुछ इस तरह से। और अब हम इसे 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। याद रखें कि फ्लेम को हमेशा लो ही रखें, नहीं तो आटा जल जाएगा। इसे हम थोड़ा रेड होने तक भूनेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं और आटा भी भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल, सादे तिल। इसे 10 से 20 सेकंड के लिए भुनेंगे, ज्यादा नहीं भुनना है। इस तरह देखिए, ये देखिए तेल ऑलमोस्ट भुन गए हैं क्योंकि आटा बहुत ज्यादा गर्म है। अब इसमें ऐड करेंगे आलमंड जो कि बारीक टुकड़ों में काटा था, इसे भी 10 से 20 सेकंड के लिए रोस्ट करें। अब इसमें ऐड करेंगे काजू, जो काजू के टुकड़े मैंने लिए थे, और इसे भी बस कुछ समय के लिए भून लेंगे। ये देखिए अब इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च। काली मिर्च को बारीक पीसने की जरूरत नहीं है, बस इसे 2 टुकड़ों में ही तोड़ ले, थोड़े मोटे मोटे टुकड़े रखें जिससे लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये देखिए बस इसे कुछ सेकंड के लिए इस तरह भुनेंगे। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक अलग से प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद हम इसकी चाशनी बनाएंगे। इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। ये देखिए मैंने इसे एक अलग से प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, और अब हम उस कढ़ाई में बनाएंगे गुड़ की चाशनी। आप चाहे तो अलग कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच घी डाला है, और अब उसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें गुड़ डाल दिया है, और अब हम इसको मेल्ट होने तक लो फ्लेम में पकाएंगे। फ्लेम को आप हाई नहीं करें, नहीं तो ये जल्दी से चाशनी अच्छी बनेगी नहीं, और इसमें लम्स भी रह जाएंगे। थोड़े पेशेंस के साथ इसे लो फ्लेम पे मेल्ट होने तक पकाएं। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें आटा का जो मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। इसे इस तरह से चलाते हुए ऐड करें, अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे थोड़ा गर्म ही बांधेंगे, नहीं तो ठंडा होने से
ये पूरा जम जाएगा। फ्लेम को आप ऑफ कर दें और जितना आप सह सकते हैं उतना गर्म लें, ज्यादा गर्म नहीं लें। फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे लड्डू बनाएंगे। ये देखिए ये थोड़ा गर्म ही है, हमें इसे इसमें ही बनाना पड़ेगा। इसे फटाफट आप बनाएं नहीं तो ये ठंडा होने से जम जाएगा। इस तरह से आप सारे लड्डू बना ले। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सारे लड्डू को इस तरह से बांध लिया है और इसमें मैंने सारी इम्यूनिटी वाली चीजें डाली है, जो चीजें आसानी से हमारे घर में मिल जाती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, इसे बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करें। और इसे आप दिन में एक ही खाएं, ज्यादा नहीं खाएं, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। ये इम्यूनिटी के लिए बनाया गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे हैप्पी।